हाय आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे बहुत अच्छा टॉपिक सीखेंगे वो है डेटाबेस ऑपरेशन हम कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं हाउ वी कैन रिट्रीव डेटा एंड एंटिटीज क्या है ट्रीब्यूट्स क्या है डेटाबेस ऑपरेशंस ऑपरेशन कैसे वर्क करता है आउट सिस्टम में सो so, चलो स्टार्ट करते हैं साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको पावर ऑफ आउट सिस्टम्स पावर ऑफ लो कोर्ट प्लेटफॉर्म सो शुरुआत करते हैं डेटा बेस डिफाइन करने के लिए डेटा बेस एंटिटी क्रिएट करने के लिए वी हैव अ डेटा टैब हीयर तो जितने भी डेटा बेस से रिलेटेड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए डेटा बेस एंटिटीज़ की जो जरूरत होती है वी डिफाइंड हीयर सो अभी हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम एक सर्वे एप्लीकेशन की बात करते हैं सर्वे एप्लीकेशन में हम लेट uh, सपोज हम यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं राइट right? हमें एक एक यूज़ कैसे है कि जहाँ हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन को गेट करना है स्टोर करना है जस्ट यूज़र नेम उसका नाम उसका सरनेम एड्रेस मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस एंड हॉबी ऑक्यूपेशन समथिंग लाइक ए सैलरी चार पाँच चीज़ें लेना है और जस्ट उसे स्टोर करना है एक सिंपल सा एग्जाम्पल है उसके लिए हमें एक फॉर्म लगेगा जिस फॉर्म पर सारी फील्ड्स होगी उसमें सेव पे क्लिक करके सारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए सो so, सबसे पहले तो हमें डेटाबेस बनाना होगा सो राइट क्लिक एंड ऐड एन एंटिटी इन आउट सिस्टम एंटिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ डेटा डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर वी टॉक अबाउट डेटाबेस टेबल्स कॉलम्स सिमिलरली इन आउट सिस्टम टॉक अबाउट डेटाबेस एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट सो लेट मी गिव a proper name user information similarly already user information users, users survey survey so I don't know say the spelling nobody so now description we can give a description proper description and pt to hold user information राइट नो पब्लिक वॉट इज दिस प्रॉपर्टी अगर हम पब्लिक यस डिफाइन करते हैं इन 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 दिस इट मीन्स दैट ये पर्टिकुलर एंटिटी किसी दूसरे मॉड्यूल में भी एक्सेसिबल होगी वी हैव अ प्लग आइकॉन हिर यहाँ से हम डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं तो अगर जैसे ये फॉर एग्जांपल इस मॉड्यूल में ये एंटिटी पब्लिकली डिफाइंड है डेट्स वाई फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट कंसेप्टॉटर सी एस मॉड्यूल से मैं इस एंटिटी को अगर अप्लाई करता हूँ और ऐड करता हूँ सो मैं उस मॉड्यूल की एंटिटी यहाँ पर यूज कर पाऊँगा और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँगा सो so, अगर मुझे इस एंटिटी को ऐसा बनाना है कि इस एंटिटी को कोई भी मॉड्यूल में मैं यूज़ कर सकूँ देन आई विल है Um, अगर कोई दूसरा मॉड्यूल इसको यूज़ करना चाहता है तो सिर्फ हम रीड ओनली इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें ओनली गेट यूजर इंफॉर्मेशन सर्वे मेथड अवेलेबल होगी क्रिएट एंड डिलीट मेथड अवेलेबल नहीं होगी सो यू सी इफ आई जस्ट शो यू द बेसिक कंसेप्ट ये एक्सपोज रीड ओनली यस है देट्स वाई वी हैव ओनली गेट कंपनी मैथड अवेलेबल किया बाय डिफ़ॉल्ट एंटिटी में हमें इतनी मेथड मिलती है सो so, हम जस्ट इस मेथड का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं इट मीन्स हम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं और ये हमें आईडी रिटर्न करती है हम क्रिएट और अपडेट का यूज़ करके रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर आईडी अवेलेबल है तो ये क्रिएट कर देगी अपडेट uh, कर देगी अदरवाइज क्रिएट कर देगी सो सिमिलर नहीं सो लेट मी एड सम एट्रीब्यूट्स राइट क्लिक आइडेंटिटी एट्रीब्यूट सो यहाँ पर हमारे पास नेम है विच विल बी टेक्स्ट सर नेम एंड मोबाइल ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए उसने फ़ोन नंबर ले लिया एंड ई मेल ऑटोमेटिकली ई मेल के लिए उसने डेटा टाइप चेंज कर लिया ऑक्यूपेशन एंड सैलरी सैलरी के लिए ऑटोमेटिकली उसने करेंसी ले लिया एंड हॉबी सिंपल नाव अब हमें इसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा फॉर्म बनाने के लिए डिजाइनिंग लगेगी वी कैन गो हियर वी कैन राइट क्लिक एड स्क्रीन यूजर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस नहीं जैसे हम मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है इन फॉर इन फॉर्मेशन आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हा वी कैन ऐड स्क्रीन ये स्क्रीन ऐड कर देंगे यहाँ पे हम दिस इज़ माई स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन एंड उसमें मैं सॉरी ये थीम गलत है डेट्स वाई नथिंग इज़ देयर मॉड्यूल डिफॉल्ट थीम हम लेंगे एंड एड स्क्रीन करेंगे यूजर इंफॉर्मेशन आई जस्ट चेंज द थीम्स ओके सो इसमें मॉड्यूल की थीम अप्लाई हो चुकी है अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे राइट यूजर नेम पासवर्ड यूजर नेम सर नेम एंड ऑल दिस इज वन वे एक और वे है जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे बोलते हैं ठीक है अभी ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मेन्यू में ऐड हो चुकी है वो और हमने उसको तो डिलीट कर दिया ये yeah. क्योंकि हमने इंक्लूड इन मेन्यू को प्रू किया था राइट सो लेट मी डिलीट नाउ जस्ट गो टू योर फ्लो एंड अगर मैं इस एंटिटी को उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ सो व्हाट इट विल डू इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एवरी थिंग फॉर मी इट विल बाइंड विथ एक्शंस इट विल अप्लाई दैलिडेशन इट विल अप्लाई दम लॉजिक यूसी मेरे पास दो एंटिटीज एंटिटी uh, के अकॉर्डिंग दो स्क्रीन uh, बन गई है सो दिस इज दिस दिस इज फॉर एडिट एंड अपडेट अपडेट एंड इंसर्ट दिस पेज इज फॉर एंड दिस पेज इज फॉर जस्ट शो मेरे पास सर्च आ चुका है एड इंफॉर्मेशन की बटन आ चुकी है पेजिनेशन आ चुका है एवरी थिंग नो लेट मी पब्लिश एंड लेट मी शो यू हाउ इट वर्क अगर मैं यहाँ पर देखूँ सारी मैथड्स अवेलेबल है सब कुछ बन चुका है यहाँ पर सेव बन चुका है सेव किया फॉर्म वेलेडेशन लगा इन वट वी कॉल्ड वी कॉल्ड सेम डिस फंक्शन राइट एक रेपर फंक्शन बन गया और इनसाइड रेफर फंक्शन क्या कॉल कर रहा है ये कॉल कर रहा है रेफर फंक्शन क्यों बना बिकॉज हमने इसको यस किया है अगर मैं इसको किसी और मॉड्यूल में यूज करता हूँ तो Uh, मुझे ये रेपर एक्शन कॉल करना पड़ेगा तब जाके मैं उस पर सेव कर पाऊंगा और रेपर एक्शन इज़ पब्लिक नो मुझे इसको यस करना पड़ेगा सो so, मेरा हो चुका है ये पब्लिश लेट मी शो यू जस्ट राइट क्लिक एंड एंड ओपन इन ब्राउजर वेरी सिंपल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ये अभी मेरा फॉर्म आपको मैं बताता हूँ कैसे बनाए सो लेट मी लॉग इन बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ मेरे इंटरव्यू चल रहे थे मैं नोटिस पे चल रहा हूँ वो तो टाइम ही नहीं मिल रहा था सो so, नाउ अंकित गगराडे मोबाइल ईमेल एंड ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट सैलरी हंड्रेड हॉबी रीडिंग सेफ सेफ फ्राम हेयर आई कैन एडिट एज वेल इफ आई हैव टू एड आई कैन एड सिंपल सो ये हमने देखा कि हम कैसे डेटा बेस टेबल बना सकते हैं एंड कैसे हम उस डेटा बेस से स्प्रीन में बना सकते हैं और उस डेटा बेस में स्टोर कर सकते हैं इट वॉज इट वॉज वेरी सिंपल सो आउट सिस्टम इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड बिल्टन मिलती है सो so, आज के लिए इतना ही अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम डेटा बेस पर और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कैसे हम डेट कर सकते हैं और कैसे एग्रीगेट क्या होता है हाउ एग्रीगेट वर्क एडवांस सिक्वल क्या होता है हाउ डैट वर्कस एंड डेटा एक्शन क्या होता है एंड मेनी मोर थिंग बहुत सारी चीज़ें हैं सो विल देन बाय